जिस बात का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, भारत सरकार ने टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। यह बैन क्यों लगाया गया है तो जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आखिर भारत सरकार ने क्यों इन एप्लीकेशंस पर लगाया बैन? तो मुख्य कारण, एक नंबर, भारत सरकार और चीन पर चल रहे हुए विवाद पर। दूसरा कारण, भारत सरकार ने अपने निजी डाटा की सुरक्षा के लिए। तीसरा कारण, सूत्रों के मुताबिक मिली खबर, अपने बैंक की डिटेल्स को किसी चीनी एप्लीकेशंस में हम डालते हैं तो हमें आर्थिक रूप से हानि होने का खतरा रहता है। और चौथा कारण, जैसा कि चीनी एप्लीकेशंस के द्वारा हमारे अलग अलग लोकेशंस पर नज़र रखी जा सकती हैं। इन्हीं कारणों के मध्य रखते हुए भारत सरकार ने अहम फैसला लिया है। जैसा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन या लैपटॉप जिस पे भी आप देख रहे हैं उसकी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह लिस्ट भारत सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर टिकटॉक, सियर इट, यूसी ब्राउजर समेत बहुत सारे अनर्गल एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डाटा को चुरा कर उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। जिसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट धारा 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2009 और खतरों की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए इन 59 एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर दोस्तों आप ही इन एप्लीकेशंस का अगर यूज कर रहे हैं तो हमारे देश के हित में इन एप्लीकेशन को आप बंद कर दीजिए, अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।